फ्रेंड्स, आज हम आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे सैमसंग की जो रिसेंटली लॉन्च हुई है एचडी रेडी 32 इंच, यानी कि 180 सेंटीमीटर जो एचडी रेडी एलईडी टीवी स्मार्ट लॉन्च हुई है उसके बारे में। ये वंडरटेनमेंट के नाम से लॉन्च हुई है और इसके कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। मैंने अभी रिसेंटली ही मंगाई है ये, तो इसलिए मैंने अभी रिसेंटली ही मंगाई है इसे। तो चलिए पहले हम बॉक्स के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, ये इसका सामने से बॉक्स है, इसमें लिखा हुआ है स्मार्ट स्मार्ट टीवी टाइजन। इसमें एंड्रॉयड नहीं है, टाइजन में आती है। टाइजन इसका सैमसंग का खुद का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोग जानते ही हैं। सैमसंग इस समय जितने भी स्मार्ट टीवी निकाल रहा है सब अपने टाइजन में ही निकाल रहा है, एंड्रॉयड में नहीं निकाल रहा है। इसके पीछे कई सारे रीजन है। एंड्रॉयड काफी हैंग करता है, बट टाइजन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। मेड इन वियतनाम, ये चाइना का प्रोडक्ट नहीं है, वियतनाम में इनका जो प्लांट है वहां पर ये बना है। मैन्युफैक्चर्ड बाय सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड वियतनाम, और इंपोर्ट हुआ है सैमसंग इंडिया ने। चाइना में बना है ना, इसके पार्ट्स वहां पर हैं। ये कंप्लीटली आउट ऑफ चाइना है। तो चलिए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स टू बॉय साइड में जो दिख रहा है आपको वो बिल है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं इसमें क्या क्या है। बॉक्स काफी अच्छा है इसका। ये इसका स्टैंड है जो कि आप नीचे लगा सकते हैं टेबल पे रखने के लिए। इसके अंदर रिमोट, केबल, सेल, मैनुअल सारी चीजें हैं। ये देखिए, ये सारी चीजें हमें इसमें साथ में मिलती हैं। ये टेबल स्टैंड है, दूसरा पावर केबल है, तीसरा रिमोट है, साथ में बैटरी है और यूजर मैनुअल है। ये सारी चीजें हमें इसके साथ मिलती हैं। तो दोस्तों, मैंने इसके स्टैंड लगा लिए हैं, स्टैंड काफी अच्छे लग रहे हैं और ये टेबल पर रख के काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, हिलने का नाम ले रहा है। लुक वाइज काफी अच्छा लग रहा है, सैमसंग है तो अच्छा तो लगेगा। बिल्ड क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है, जिस हिसाब से मतलब कंपनी की चीज है उस हिसाब से। और इसमें आपको दिखा दूंगा मैं, सारे पोर्ट्स दिए हुए हैं। ये साउंड के वीडियो के आपको सेटअप बॉक्स लगाना है जिसमें HDMI पोर्ट नहीं है उसके लिए, और साथ में इसके दो HDMI पोर्ट, एक USB पोर्ट दिया है। USB एक ही पोर्ट है, एक काफी होता है, उससे आगे जरूरत नहीं है। दो HDMI पोर्ट भी काफी ज्यादा होते हैं, जिसमें से एक HDMI नॉर्मल है और एक जो है ARC है, ये पावर कोर्ट है। ARC में आप जानते ही अपना जोड़ सकते हैं, कोई भी आपका साउंड बार जोड़ सकते हैं। पीछे इसमें इसमें सारी रेटिंग लिखी हुई है, 2-स्टार रेटिंग है। टीवी में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आता, 2-स्टार में कोई ज्यादा पावर लेता नहीं है ये। ये इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। अब मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये इसका रिमोट है, काफी अच्छा कूल लग रहा है, बड़ा ही हैंडी सा है। इसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, Z5 तीनों के बटन है। ये साउंड का, ये चैनल का, बीच में दबाएंगे तो गाइड आ जाएगा। ये बैक का, ये इधर उधर करने के लिए माइक। इसमें आपको एलेक्सा, बिक्सबी और गूगल असिस्टेंट तीनों का ही सपोर्ट दिया हुआ है। बहुत हैंडी रिमोट है, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। स्टार्ट हो चुका है टीवी। इसका मैनुअल मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ क्या क्या इसमें फंक्शंस हैं। ये नॉर्मली आगे बढ़ रहा है,
ये टीवी का सेटअप के लिए है, एचडीएमआई मैंने अभी कोई नहीं लगाई है इसलिए दिखा रहा है ये, ना ही कोई और केबल लगाई है। वायरलेस कनेक्शन मांग रहा है, मैं इसमें अपना वायरलेस का कनेक्शन दे देता हूँ। वायरलेस कनेक्शन मैंने अपना कर दिया है, जो घर में मेरा वाईफाई चलता है, अब ये वाईफाई से कनेक्टेड हो चुका है। टर्म्स एंड कंडीशंस कह रहा है, तो इसके लिए तो आप अग्री करके सीधे ओके कर दीजिए। साइन इन यूर सैमसंग, आपका सैमसंग अकाउंट तो साइन इन कर लीजिए, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं, तो अभी तो मैं इसको स्किप ही करूंगा। बिक्सबी और अमेजन एलेक्सा सभी काम करते हैं इसमें। चूज लेटर पे क्लिक करता हूँ, बाद में चूज करेंगे। डिस्कवर अ फास्टर वे टू लिंक योर एप्स, अपना रिमोट को टेस्ट करने के लिए कह रहे हैं। पुश अप बटन, रिमोट ओके है, योर टीवी इज रेडी टू यूज। ये इसकी स्टार्टिंग की स्क्रीन है, नीचे आपको दिख रहा है सारी लैप्स दिख रही हैं आपको। आप कोई भी एप्स खोल के इसको गूगल मांगिए, कनेक्टेड विद यूट्यूब। मैं कोई भी वीडियो चला ही सकते यूट्यूब की, ये मैं एक वीडियो चला के दिखाता हूँ क्या क्वालिटी है इसकी, आप थोड़ा अंदाजा इसे लगा सकते हैं। ये 4K वीडियो है, आपका HD रेडी टीवी है, बट क्वालिटी आप देखिए कितनी ज्यादा अच्छी है, कलर्स देखिए कैसे हैं। दोस्तों ये था टीवी का अनबॉक्सिंग, आगे हम देखेंगे। मैं आपको कुछ समय बाद यानी कि एक हफ्ते बाद दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या काम करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, और इसका डिटेल रिव्यू एक हफ्ता यूज करने के बाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ दिनों बाद। बाय बाय।